हेलो एवरीवन, आज हम अपने इस वीडियो में द फन दे हैड अवर चैप्टर फर्स्ट हैज़ टू बी कंटिन्यू। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि किस तरह से मार्जी और उसका फ्रेंड टोमी, जो हम लोगों की जो बुक्स हैं उन बुक्स के बारे में यहाँ पे जान रहे थे, उनके बारे में वो लोग डिस्कस कर रहे थे। नाउ वी आर टॉकिंग कि किस तरह से मार्जी और टॉमी अपने इस डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करते हैं और वो इसके बारे में बात करते हैं। श्योर, दे हैड अ टीचर बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। यहाँ पे मार्जी जो है वो टॉमी से क्वेश्चन करती है कि क्या उन लोगों के टीचर्स होते थे हमारे तरह से, बट टॉमी उसको रिस्पॉन्ड करता है दैट श्योर, वास्तव में दे हैड अ टीचर, लोगों का टीचर होता है, बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर। रेगुलर टीचर हियर मीन्स एन यूजुअल नॉर्मल ऑफ द यूजुअल काइंड, कि जिस तरह से उन लोगों के टीचर्स होते हैं, वो मैकेनिकल टीचर्स होते हैं, तो उनकी तरह नहीं बता रहा है। वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन, वो एक मनुष्य होता है। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, मार्जी बोलती है कि एक व्यक्ति जो होता है, एक मनुष्य जो होता है, वो किस एक टीचर कैसे हो सकता है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क देम क्वेश्चंस। टॉमी कहता है कि वो उन लोगों को, बच्चों को, गर्ल्स को, बॉयज़ को चीज़ें बताते हैं, उनसे पूछते हैं, उनको होमवर्क देते हैं, उनसे क्वेश्चंस आस्क करते हैं। अ मैन इज़ नॉट स्मार्ट इनफ, लेकिन मार्जी डाउटफुल होती है, शी अगेन क्वेश्चनिंग कि एक मैन जो होता है वो इतना स्मार्ट नहीं हो सकता है कि वो बच्चों को क्लासरूम्स में पढ़ा सकें। श्योर ही इज़, लेकिन टॉमी कहता है कि हाँ वो होते हैं। माय फादर नोज एज मच एज माय टीचर, मेरे पापा जो हैं उनको मेरी टीचर से ज़्यादा पता है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई विचा, मार्जी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट शी सैड आई वुड नॉट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। लेकिन मार्जी वो प्रिपेयर करती है अपने आप को इस डिस्प्यूट के लिए, इस डिस्कशन के लिए, और वो कहती है कि कुछ भी हो लेकिन एक अनजान व्यक्ति को मैं अपने घर में अलाउड नहीं कर सकती हूँ फॉर टीचिंग मी। देन टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, तभी टॉमी हंसता है। वुड यू डोंट नो मच मार्जी, तुम ज़्यादा नहीं जानती हो मार्जी। द टीचर्स डिड नॉट लीव इन द हाउस, वो घर आके नहीं पढ़ाते हैं हमें। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, उनके लिए एक स्पेशल बिल्डिंग होती है, एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सारे बच्चे वहाँ जाते हैं पढ़ने के लिए। एंड ऑल द किड्स लर्निंग द सेम थिंग, और सभी बच्चों को एक ही चीज़ पढ़ाई जाती है। श्योर इफ़ दे वर द सेम एज, हाँ बस ये ध्यान रहे कि वो बच्चे एक ही उम्र के हों। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्ट टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचर्स एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। मेरी मदर कहती है, हमारी यहाँ पर रिस्पॉन्ड करती है इस डिस्प्यूट को, एंड शी इज़ arguing him that her mother is told her, कि उसकी मम्मी ने उसे बताया है कि टीचर जो होते हैं वो स्टूडेंट्स के माइंड और एज लेवल के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करते हैं और उनको अलग अलग चीज़ें पढ़ाते हैं। स्टूडेंट्स, दैट हैज़ टू बी डिपेंड ऑन द मैकेनिकल टीचर, बट द ह्यूमन टीचर आज इक्वली शेयर द टॉपिक विद ऑल द स्टूडेंट्स। देन इफ़ यू डोंट लाइक इट, अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है, यू डू डोंट हैव अ रीड द बुक, तुम्हें किताब नहीं पढ़नी चाहिए। आई डिड से आई डिड लाइक इट, वो कहती है मार्जी सेड क्विकली, आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मैंने ऐसा नहीं कहा है कि ये बुक मुझे पसंद नहीं है। मार्जी जल्दी से रिस्पॉन्ड करती है, शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, वो ऐसे स्कूल्स के बारे में पढ़ना चाहती है। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड वैन मार्जी मदर कॉल्ड, वो अभी कुछ ही पढ़ पाई थी उनके उसके पेजेस को, लेकिन तभी उसकी मदर उसको कॉल करती हैं, बुलाती हैं। मार्जी लुक अप नेक, नॉट येट मम्मा, वो कहती है कि नहीं अब फिर से स्कूल नहीं, मतलब अभी उसके जो कंप्यूटर इंस्पेक्टर थे वो उसके कंप्यूटर को रिपेयर करके गए थे। नाउ इट्स द टाइम फॉर द मार्जीज क्लासेस। नाउ सैड मिसेस जोन्स एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, उसकी मदर कहती हैं कि अब शायद टॉमी के भी क्लासरूम्स का टाइम हो रहा है और तुम्हारे भी पढ़ाई का टाइम होता है।
Maybe, he said nonchalantly. He walked away whistlingly. वो सीटी बजाते हुए चल पड़ता है. The dusty old books stuck beneath his arm. उस डस्टी बुक को जिस पर कि काफ़ी डस्ट लगी हुई थी अपनी आम के नीचे वो लगा लेता है. मार्जी वेंट इन टू द स्कूल रूम. अब जो घर के अंदर मार्जी का जो स्कूल रूम बना हुआ था वो उसके अंदर जाती है. इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम और वो उसके बेडरूम के जस्ट साइड में ही था. एंड मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन द वेटिंग फॉर हर. और वहाँ स्क्रीन पे उसका जो मैकेनिकल टीचर था वो उसका वेट कर रहा था. इट वॉज ऑलवेज एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सपेक्टेड सैटरडे एंड संडे. हर दिन वो उसी समय पे उसका इंतज़ार करते हैं सिर्फ सैटरडे और संडे को छोड़कर. इट मीन्स संडे एंड सैटरडे ऑफ फॉर द स्टूडेंट्स. Because her mother said little girls learn better if they learn at regular hours. क्योंकि उसकी मम्मी कहती हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत अच्छा सीख सकते हैं अगर वो रेगुलरली पढ़ते हैं. The screen was lit up. स्क्रीन स्टार्ट हो जाती है. And it said, और वो कहती है, today's arithmetic lesson is on the addition of proper fraction. आज का हमारा chapter arithmetic lesson है जो कि addition of proper fractions के बारे में है. Please insert yesterday's homework in proper slot. आप अपना कल का homework अपने proper slot में जहाँ की homework submission होता है वहाँ पर submit कीजिए. Margie did so. उसने ऐसा किया with a sigh. She was thinking about, लेकिन वो अभी भी सोच रही थी, the old schools they had when her grandfather was a little boy. लेकिन वो उन स्कूल्स के बारे में सोच रही थी जहाँ पर उसके दादाजी के दादाजी ने पढ़ाई की थी. All the kids from the whole neighborhood came. सभी आस पड़ोस के लोग एक ही जगह इकट्ठा होते हैं. Laughing and shouting in the school yards. स्कूल के ग्राउंड में मस्ती करते हैं, चिल्लाते हैं. Sitting together in the classroom. एक साथ क्लासरूम्स में सिटिंग करते हैं, बैठते हैं. Going home together. एक साथ घर जाते हैं. At the end of the day. तब शाम हो जाती है, स्कूल ओवर होता है. They all left the school with together. They learn the same thing. एक ही चीज़ को पढ़ते हैं. So they could help one another with the homework and talk about it. और जब एक ही homework सबको मिला होता है और किसी को कोई problem होती है, then they have to be share their feelings, they share their doubts with each and other. The mechanical teachers were flashing on the screen. Mechanical teacher flash कर रहा था, दिखाई दे रहा था screen पे. When we add fraction हाफ एंड वन फोर्थ, वो उसको बात बता रहे थे कि वन एंड हाफ एंड वन अपॉन फोर को अगर हम फ्रैक्शन करते हैं तो क्या होता है. मार्जी वॉज थिंकिंग, लेकिन अभी भी मार्जी सोच रही है अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इन द ओल्ड डेज. कि छोटे जो बच्चे होते हैं वो उस समय कितना अच्छा उनको लगता होगा उनके बारे में, स्कूल्स के बारे में वो सोचती है. शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड. वो मस्ती के बारे में सोचती है जो स्कूल जाते समय बच्चे करते थे. एंड आई होप दैट यू ऑल आर मिसिंग द फन दैट यू हैड हैव इन योर स्कूल टाइम्स. नाउ स्टूडेंट्स, दीज आर द क्वेश्चन आंसर्स. The first question is, I am only orally dictating you the answers, so you have to be done in your notebook. So first question is, how old are Margie and Tommy? The correct answer is, Margie is 11 and Tommy is 13 years old. I repeat it, Margie is 11 and Tommy is 13 years old. The second question is, what did Margie write in her diary? Margie apni diary mein kya likhti hai? Margie wrote in her diary, today Tommy found a real book. I repeat it, Margie wrote in her diary, today Tommy found a real book. The third question, had Margie ever seen a book before? Kya Margie ne ab se pehle koi book dekhi thi? Answer is, no, Margie had never seen a book before. Margie ne ab se pehle koi book nahi dekhi thi. Then question fourth, what things about the book did she find strange? किताबों के बारे में ऐसी कौन सी चीज़ थी जो मार्जी को स्ट्रेंज लगी, अजीब लगी? Pages were yellow and shrinkly. Words stood still instead of moving on the screen. The words remained same as were read the first time. This is the answer. I repeat it. Pages were yellow and crinkly. Words stood still instead of moving on a screen. The words remained same as were read the first time. यानी जिस तरह से
कंप्यूटर पे वर्ड्स मूव करते हैं, उस तरह से इस बुक के अंदर कोई भी वर्ड जो है वो मूव अप नहीं कर रहा था. दैट थिंग इज़ वेरी स्ट्रेंज फॉर हर एंड द पेजेस दैट हैज सो बी येलो एंड श्रिंकलिंग. जो कुचुड़ मुचुड़ पेजेस हो रखे थे, येलो कलर के पेजेस हो रहे थे, दैट थिंग इज़ ऑल्सो स्ट्रेंज फॉर हर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट डू यू थिंक अ टेली बुक इज़. आप क्या सोचते हैं कि टेली बुक क्या होती है. सो द आंसर इज़ द मूविंग ई टेक्स्ट ऑन टेलीविजन स्क्रीन इज आई थिंक अ टेलीबुक. आई रिपीट द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5. द मूविंग ई टेक्स्ट ऑन अ टेलीविजन स्क्रीन इज आई थिंक अ टेलीबुक. देन क्वेश्चन नंबर 6. वेयर वॉज मार्जीज स्कूल. डिड शी हैव एनी क्लासमेट्स. मार्जी की स्कूल कहाँ थी और क्या उसके कोई क्लासमेट्स थे. आंसर इज मार्जीज स्कूल वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम इन हर हाउस. उसके घर में उसके बेडरूम के जस्ट साइड में उसका स्कूल था. नो शी डिड नॉट हैव एनी क्लासमेट. उसका कोई क्लासमेट नहीं होता है. आई रिपीट द आंसर अगेन, प्लीज नोट डाउन. मार्जीज स्कूल वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम इन हर हाउस. No, she did not have any classmates. The next question, question number 7. What subjects did Margie and Tommy learn? कौन से subjects जो हैं Margie और Tommy पढ़ते हैं. The answer is Margie and Tommy learn history, geography and arithmetic. I repeat the answer. Margie and Tommy learn history and geography, arithmetic. Then the next question, answer the following with reference to the story. Reference to the story ke according hame in questions ko answer karna hai. The first question is I would not throw it away. Main ise nahi fekunga. To first is question isme se banta hai. Who say these words? Ye words kisne kahe? So answer is Tommy says these words. Tommy ne ye shabd kahe. Question number 2, what does it refers to? इट जो है वो किस चीज़ के लिए यहाँ पे आया है. तो आंसर है द वर्ड इट रिफर्स टू द टेलीविजन स्क्रीन विद टेलीबुक्स ऑन इट. नेक्स्ट इज व्हाट इज इट बीइंग कंपेयर्ड विद बाय द स्पीकर. वक्ता जो है यहाँ पे स्पीकर जो है उसने इट की तुलना किससे की है. इट इज बीइंग कंपेयर्ड विद अ प्रिंटेड पेपर बुक बाय अ स्पीकर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2. श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर इट वॉज अ मैन. कि श्योर दे हैड अ टीचर. हाँ उनका एक टीचर होता है लेकिन वो एक रेगुलर टीचर नहीं होता. इट वॉज अ मैन. वो एक मनुष्य होता है. तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें से बन रहा है हु डज दे रिफर टू. यहाँ पे दे शब्द जो आया है वो किसके लिए आया है. तो आंसर है द वर्ड दे रिफर्स टू द किड्स ऑफ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल. आई रिपीट द आंसर द वर्ड दे रिफर्स टू द किड्स ऑफ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज रेगुलर मीन हेयर. यहाँ पे रेगुलर का मीन क्या है. द वर्ड रेगुलर हेयर मीन्स नॉर्मल और ऑफ द यूजुअल काइंड ऑफ द मैकेनिकल टीचर. नेक्स्ट क्वेश्चन 3. व्हाट इज इट कॉन्ट्रैक्टेड हेयर. इट की तुलना किसके साथ की गई है यहाँ पे. इट इज कंपेयर्ड विद अ मैकेनिकल टीचर. इट इज कंपेयर्ड विद अ मैकेनिकल टीचर. सो स्टूडेंट्स यू कैन डू ऑल दीज क्वेश्चन एंड आंसर इन योर नोटबुक. टुमोरो वी आर डूइंग द क्वेश्चन आंसर ऑफ थर्ड क्वेश्चन. आंसर ऑफ द ईच क्वेश्चन इन अ शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट 30 वर्ड्स. इट मे बी पॉसिबल दैट आई एम गिविंग द आंसर इन रिटन फॉर्म सो यू कैन ईजिली नोट डाउन दैम. सो टूडे यू हैव टू बी डन ऑल दीज क्वेश्चन इन योर नोटबुक. थैंक यू सो मच.